हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बिट्टूज बायोलॉजी क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, है ना। तो जिस पल का तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई, रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट कर रहे हैं हम। आई वेरी 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 वेल नो दैट यू गाइज आर मास्टर प्रो लेजेंड इन दिस टॉपिक और यू वॉन्ट टू बी, है ना। एंड मोस्टली दर्द यही रहता है कि यार स्कूल में या तो स्किप करवा देते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ाते, शायद टीचर शर्माते हैं कभी कभी, या तो फिर आप खुल के डाउट नहीं पूछ पाते। बेसिकली आपको मज़े लेने चैप्टर में टीचर की शक्ल देखने लायक होती है ना, क्योंकि खुल के कभी कभी बोल नहीं पाते होंगे मे बी, बट मैं तो मैं हूँ, ठीक है, मैं तो कराऊँगा बहुत अच्छे से, थियरी कराऊँगा रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन। ओके, सो दिस टॉपिक, ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टॉक अबाउट द प्रीवियस वन, कि भाई पिछले वीडियो में हमने क्या बात की थी। तो वी सॉ डिटेल अबाउट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्शन क्या होता है। मैं बोल बोल के थक चुका हूँ कि भाई द रिप्रोडक्शन सिंपली मीन्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, एक है फीमेल जिसको कहेंगे ओवा और एक है स्पर्म, ठीक है, जो मेल का गैमेट है, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे राइट ओवा के अंदर स्पर्म। सो दिस फ्यूजन इज नोन एज जाइगोट, ठीक है, फ्यूजन का जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जाइगोट, और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या कहेंगे इसे, फर्टिलाइजेशन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंस एनिमल्स कैरी आउट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसीलिए मैंने आपको पहले ये क्लियर कर दिया कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। सो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड द रिजल्ट इज जाइगोट। तो जब जब फ्यूजन होगा तब तब उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स, दैट हैज नथिंग टू डू विद फिजिकल इंटीमेसी। जरूरी नहीं है कि अगर मुझे बच्चा पैदा करना हो तो मुझे अपनी बीवी से मिलना ही पड़े, मैं वैसे भी टेस्ट ट्यूब से करवा सकता हूँ, है ना, मुझे सिर्फ एक ओवा चाहिए जिसमें मैं अपना स्पर्म फ्यूज करवा दूंगा एंड आई हैव अ बेबी, आई कैन हैव मेनी बेबी एज मच एज आई वॉन्ट टू, राइट, बट मैं ऐसा करूंगा नहीं। उसके रीजंस हैं, आप समझ जाओगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक सवाल है, ठीक है, बहुत ही मस्त सवाल है मेरा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन है, सही है, क्या मैंने सही कहा, दो टाइप के रिप्रोडक्शन अपने पास, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी हमने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, मान लिया चलो, है ना। सो ये हो गया आम जिंदगी वाला डिफरेंस कि एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हम लोग लिख देते हैं इन एसेक्सुअल नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से अच्छा है फ्यूजन लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। सो एसेक्सुअल में हम लोग लिखते हैं नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स बोले तो क्या होता है सेक्स सेल्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल में नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये हो गया किताबी ज्ञान। द मेन डिफरेंस इन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज समथिंग दैट यू हैव टू स्टडी, है ना, एसेक्सुअल क्या है जो आपको पढ़ना पड़ रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज समथिंग विच यू वॉन्ट टू स्टडी, राइट, ये आप पढ़ना चाहते हो, है ना। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, एसेक्सुअल इज समथिंग विच यू हैव टू स्टडी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच यू वॉन्ट टू स्टडी, सो देयर इज अ डिफरेंस, ये मैंने आपके अंदर की बात पकड़ ली। चलिए अब इससे ज्यादा भटकना नहीं है, या तो मैं कहूंगा ठरकना नहीं है, अपने टॉपिक के ऊपर उतरते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू ऑल अबाउट प्यूबर्टी, सो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी को हम लोग समझेंगे, प्यूबर्टी क्या है, एडोलेसेंस क्या है, सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या है, ये सारे टॉपिक्स आपको पहले क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल सी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। ऑलराइट, तो देखते हैं भाई प्यूबर्टी क्या है, लेट्स डिफाइन द प्यूबर्टी फर्स्ट। तो प्यूबर्टी को मैं क्या कहूंगा, प्यूबर्टी मतलब एक एज है। चलिए पहले अपना चाइल्डहुड समझ लेते हैं कि बचपना क्या होता है, ठीक है, चाइल्डहुड मीन्स इतना ज्यादा चाइल्डहुड कि व्हेन
द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल इज हार्ड टू मेक। अगर आप उनके कपड़ों को छोड़ दें, अगर हेयर स्टाइल में सेम कर दूं, तो अपने को मुश्किल हो जाएगी ये पता लगाने में कि लड़का कौन है लड़की कौन है विदाउट हैविंग टू ऑब्जर्व द सेक्सुअल ऑर्गन्स। समझ रहे हैं, अगर दो बच्चे जस्ट पैदा हुए हैं ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि इसमें से लड़का कौन लड़की कौन। सही कहूँ तो 8 से 9 साल की उम्र तक भी पता नहीं चलता है ना, बिकॉज वॉइस दोनों की सॉफ्ट होती है, बॉडी का स्किन भी सॉफ्ट होता है, मस्कुलर डेवलपमेंट भी लगभग लगभग सेम होता है, इतना डिफरेंस आता नहीं है। लेकिन जो एज जहां पे यू कैन डिफरेंशिएट, ओके, डिफरेंशिएट फिजिकली द डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल विथ नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, है चलते फिरते बच्चे को आप देख के बता सकोगे कि ये लड़का है और ये लड़की है, वो जो चेंजेस स्टार्ट होते हैं बॉडी के अंदर, दैट चेंज इज नोन एज प्यूबर्टी। वहां से प्यूबर्टी एक्चुअली स्टार्ट होती है, राइट? तो चाइल्डहुड क्या है, वेल वी कैनॉट एक्चुअली डिफरेंशिएट सो इजिली बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, एंड प्यूबर्टी क्या है, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगेंगे, ठीक है, उस बेसिस पे जब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि हाँ ये लड़का है ये लड़की है, बालक है कन्या है, जो भी है, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी, राइट? सो प्यूबर्टी में मैं क्या लिखूंगा, व्हेन द एज ऑफ, नहीं ऐसा फालतू डेफिनेशन नहीं लिखते, थोड़ा प्रॉपर लिखेंगे साइंटिफिक, ठीक है, द एज एट विच, द एज एट विच सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप, या तो मैं कहूँ चुपचाप आसान शब्दों में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बोले तो क्या होता है बेटा लोग, सेक्स सेल्स। बॉडी में दो प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है नॉर्मल बॉडी सेल और एक होता है सेक्स सेल, सिंपल सी बात, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस, नहीं टेक प्लेस कहाँ से आ गया, द एज एट विच सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप इज कॉल्ड प्यूबर्टी, इज कॉल्ड प्यूबर्टी, ठीक है, उसको हम लोग ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। अब एक और वर्ड है आपके बुक में, आपको बड़ा फैसिनेटिंग लगेगा वो, दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस। क्या है वो, एडोलेसेंस, आई होप मेरी स्पेलिंग सही है। एडोलेसेंस का मतलब होता है द डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस, द एज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ठीक है। तो चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड के बीच का जो सफर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। अब पूछोगे सर प्यूबर्टी और एडोलेसेंस में क्या फर्क है, तो बेटा प्यूबर्टी इज द ऑनसेट ऑफ न्यू थिंग्स, यानी कुछ चीज़ें न्यू स्टार्ट हुई, वो ऑनसेट वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आवर बॉडी, समझ रहे हो, वो प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एडोलेसेंस इज द एज, कंप्लीट एज बिटवीन चाइल्डहुड टूवर्ड्स एडल्टहुड, या फिर मैं कहूँगा टीनेज, जिसको हम टीनेज भी बोल सकते हैं कि भाई अभी आप मैच्योर नहीं हुए हो, टीनेजर हो, ठीक है, बहुत सारे नई नई चीज़ें हो रही हैं, एक्साइटमेंट्स व्हाट्सएवर, ठीक है। अब चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में जाने के सफर को हम लोग क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। अब ये उम्र होती कौन सी एक्चुअली, तो दिस डिफर इन बॉयज एंड गर्ल्स, मेल फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ बॉयज़ के अंदर ये एज जो होती है दैट इज ऑफ 13 to 14, ठीक है, 13 से 14 की उम्र में आती है, एंड गर्ल्स के अंदर में थोड़ी जल्दी आ जाती है, राइट, बिकॉज गर्ल्स बीइंग गर्ल्स टिपिकल वुमन, तो इसमें आ जाएगा 10 to 12, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा, एंड गर्ल्स आर रियली कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, ना कोई समझ सका है ना कोई समझ सकेगा, इसमें उनकी गलती नहीं है, गलती किसकी है, हॉर्मोन्स की। अब हॉर्मोन्स के बारे में मैंने कह ही दिया, तो व्हाट आर हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स हम किसे कहेंगे, तो हॉर्मोन्स का मतलब होता है कि भाई द केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी। अगर आपके बॉडी में कोई भी केमिकल मैसेज है जिसको पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो कौन करके देगा, हॉर्मोन्स करके देंगे, सिंपल सी बात है। कहाँ से रिलीज होते हैं ये, तो ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं, 7th चैप्टर में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो जब मैं इसका वीडियो बना दूंगा तब जाके देख लेना, ओके। तो हॉर्मोन्स का मतलब क्या होता है, केमिकल मैसेंजर, यानी किसी भी मैसेज को बॉडी के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाना है तो कौन पहुंचा के देता है, हॉर्मोन्स, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ग्लैंड्स के अंदर, रिलीज कहाँ होते हैं, ब्लड के अंदर, खत्म बात, ओके। अब बॉयज में कौन से हार्मोन है, गर्ल्स में कौन से हार्मोन है, ये भी देखना जरूरी है। तो बॉयज के अंदर हार्मोन्स जानने से पहले आप ये समझिए कि कौन सा ऑर्गन है जो रिलीज कर रहा है हार्मोन। अभी मैंने क्या बोला, हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय ग्लैंड्स, तो हर हार्मोन को रिलीज करने के लिए क्या है, ग्लैंड होता है। तो बॉयज के पास जो ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड टेस्टिस, ये पैर में होता है, जोड़ी में, ठीक है, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन पैर्स। तो फीमेल कहां पीछे रहने वाली थी, उनके पास है ओवरीज, इनके पास भी पैर्स में है, ठीक है, यहाँ भी, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये लोग रिलीज क्या करेंगे, जैसा कि मैंने कहा हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे, तो कौन सा हॉर्मोन, टेस्टिस विल रिलीज अ हॉर्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज करेगा ये, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स होते हैं,
एंड ओवरीज रिलीज करेंगे दो हार्मोन रिलीज करेंगे, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन अभी हम सिर्फ एस्ट्रोजन के बारे में देखेंगे बिकॉज प्रोजेस्टेरोन इज नॉट एसोसिएटेड विद द चेंजेस। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के टाइम पे काम आता है। देखो प्रो प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी प्र प्र साथ में, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन आएगा, बाकी ऐसे चेंजेस में एस्ट्रोजन आएगा। अब मैं कब से बोल रहा हूँ कि चेंजेस आएंगे, कौन से चेंजेस आएंगे? सो याद करो वो समय जब हम छोटे बालक हुआ करते थे, है ना, हमें नहीं होता था, बुद्धि नहीं होती थी कि भाई अपनी नाक बह रही है, रुमाल कहीं पे रखा है, कपड़े कैसे पहने, कपड़ों में इस्त्री किया है कि नहीं किया, हेयर स्टाइल कैसी है, दिख कैसा रहा है, नथिंग यूज टू मैटर। वी जस्ट यूज टू बी इनोसेंट स्मॉल किड्स, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, और अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं था, ना ही कोई अट्रैक्शन होता था, ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन होता था, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। बट फिर एक उम्र आई जब कुछ नया नया फील होना स्टार्ट हुआ, है ना, और फिर हम लोग अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए विद द अपोजिट सेक्स, और ये सबके साथ होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको नहीं हो रहा है तो गो एंड हैव अ चेकअप, नॉट माई फॉल्ट। तो हॉर्मोनल चेंजेस आते हैं क्योंकि मैंने कहा इस एज में ये सारे हॉर्मोन्स रिलीज होंगे एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज सेक्स हॉर्मोन्स। तो सेक्सुअल डिजायर्स, सेक्सुअल ड्राइव्स, ठीक है, ये सब होगा, यानी सेक्स करने की इच्छा। सेक्सुअल ड्राइव का मतलब सबसे आसान यही होता है, ठीक है। नाउ व्हाट डू मीन बाय सेक्स? दैट इज अ फिजिकल इंटीमेसी विच गिव्स यू प्लेजर। डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, बहुत खुशी होती है, ऐसा बुक में लिखा है, मैं अपनी थियरी नहीं कह रहा हूँ, बहुत सिंपल सा साइंस है। सेक्स एजुकेशन आपको दे रहा हूँ मैं सिंपल भाषा में, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, राइट, इन यू नो बेटर। चलो कोई नहीं, तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये कुछ ना कुछ चेंजेस करवाएगा मेल बॉडी के अंदर, एग्जैक्टली, क्योंकि टेस्टिस आर ओनली प्रेजेंट इन मेल्स, है ना, ऊपर लिखा भी हमने बॉयज, ठीक है, तो सिर्फ मेल में होता है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करवाता है ऐसे? तो देखो, जैसे टेस्टोस्टेरोन की वजह से सबसे पहले होगा फेशियल ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ, मतलब फेशियल ग्रोथ तो क्या ही होगा, फेशियल हेयर ग्रोथ यानी मुंह के ऊपर बाल आना जिसको बोलते हैं। तो जैसे मुस्टैक, मूछें हैं मेरी, बियर्ड, ये थोड़े थोड़े से हैं मेरे, ठीक है, थोड़े थोड़े, कोई बात नहीं। तो फेशियल ग्रोथ में क्या आता है? मुस्टैश यानी मूछें, बियर्ड, व्हाटसोएवर, तो फेशियल ग्रोथ होगा, हेयर ग्रोथ। और कहाँ पर हेयर ग्रोथ होता है? हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स, ठीक है, अभी हम हेयर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अंडर आर्मपिट्स, जेनिटल एरिया, जेनिटल एरिया मतलब बिटवीन द थाइज, दो टांगों के बीच में जो आपका एरिया है उसे हम कहते हैं जेनिटल एरिया, एंड वहाँ पे भी हेयर का ग्रोथ होता है। सो दिस इज ऑल द बिगिनिंग ऑफ एडोलेसेंस, यानी एडोलेसेंस स्टार्ट हो गया, इसका सिग्नल ये सारे चेंजेस हैं, ठीक है। और क्या क्या करवाएगा टेस्टोस्टेरोन? फिर एक आप ले सकते हो इरेक्शन ऑफ पीनिस। इरेक्शन ऑफ पीनिस का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ पीनिस। पीनिस आपका सेक्स ऑर्गन है जहाँ से आपका यूरिन भी निकलता है बॉडी में से, एंड सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स वो भी निकलते हैं मेल में से, ठीक है। तो इरेक्शन ऑफ पीनिस यानी अगर सेक्सुअल इंटीमेसी के थ्रू रिप्रोडक्शन करना है तो फीमेल के बॉडी में पीनस का एंटर होना जरूरी है, और वो तभी एंटर होगा व्हेन इट्स हार्ड, व्हेन इट्स स्ट्रेट। तो जैसे ये मार्कर स्ट्रेट है, ठीक है, तो पीनस का भी कुछ वैसा ही हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इरेक्शन। तो इरेक्शन ऑफ पीनस, विदाउट इट इट कैनॉट एंटर राइट इन टू द फीमेल्स बॉडी। दूसरा है ब्रॉडनिंग ऑफ, ब्रॉडनिंग कहाँ अपने लिखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है, मस्क्यूलर ग्रोथ। तो मस्क्यूलर ग्रोथ होगा, मस्कुलर ग्रोथ में जैसे ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर मसल्स हो जाते हैं, ठीक है, शोल्डर्स। फिर होता है डीपनिंग ऑफ वॉइस, डीपनिंग ऑफ वॉइस, डीपनिंग ऑफ वॉइस का मतलब क्या? भारी आवाज़, मर्दों वाली आवाज़, है ना, कुछ कुछ लड़कों की आवाज़ देखे आपने अभी भी बच्चों जैसी होती है, ठीक है, मतलब बहुत डेवलप नहीं हुआ होता है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, भारी आवाज़ लगने लगती है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड डीपनिंग ऑफ वॉइस। और जिन लोगों में हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है तो आपने उनमें देखा होगा ये जो एडम्स एप्पल है ये बाहर निकल आता है, ठीक है, वो बचपन में ही बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन उनके बॉडी में है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ये सारे चेंजेस आएंगे किसके अंदर? बॉयज के अंदर, राइट, वो जो बार बार बाल बनाने का मन करता है, अच्छा दिखने का मन करता है, फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। लेकिन यू कैनॉट ऑलवेज ब्लेम टेस्टोस्टेरोन फॉर योर एक्टिविटीज, है ना, वो आप नहीं कर सकते कि मेरी क्या गलती है, टेस्टोस्टेरोन करवा रहा है मुझसे ये सब, इसके लिए मैंने जाके कर दिया ये, ऐसा नहीं है बाबू, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ ना, भावना को समझना और भावना में बह जाना फर्क है, तो आप समझो, कंट्रोल में रहो, बह मत जाओ, ठीक है, वैसे ही बहुत कुछ बहा देते हो इस उम्र में। चलो ओवरीज, ईस्ट्रोजन, अब ईस्ट्रोजन को हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, देर इज नो डाउट, ईस्ट्रोजन ऐसे भी लिखोगे चलेगा, फीमेल है ना, आप समझा नहीं सकते, लॉजिक चलता रहता है। चलो ईस्ट्रोजन है, ये भी ईस्ट्रोजन है, ओवरीज है,
क्या चेंज करवाएंगे ये लोग से। सबसे पहले यहाँ पे था फेशियल हेयर, यहाँ पे क्या कोई फेशियल हेयर आएगा नहीं। लड़कियाँ दाढ़ी मूछ के साथ अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी किसी किसी के हो जाते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है वो फैक्ट, ठीक है। तो फेशियल हेयर से नहीं होंगे, हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स, यहाँ पे भी सही है वो, अंडर आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया, यहाँ तक सेम है, ठीक है, इतना तो होना ही है। दूसरा, जैसे बॉयज़ लोगों में शोल्डर का ग्रोथ हो गया, इनके बॉडी में कुछ ना कुछ मस्कुलर ग्रोथ होना चाहिए, तो वहाँ पे हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी उनका चेस्ट एरिया, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। फीमेल्स के चेस्ट एरिया को क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं। एंड डार्कनिंग ऑफ स्किन कॉल्ड निपल, डार्कनिंग ऑफ निपल, निपल इज द एरिया फ्रॉम विच द मिल्क इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है जब एक मादा अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा मम्मी के बॉडी में से ही दूध लेता है, ठीक है, तो वो पार्ट जहाँ से वो सक करेगा मिल्क को उसको अपने बोलते हैं निपल्स, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड डार्कनिंग ऑफ निपल्स। एंड नेक्स्ट चेंजेस यहाँ पे क्या था, इरेक्शन ऑफ पेनिस, नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ग्रोथ ऑफ वजाइना, वजाइना थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, ठीक है, फिर यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ऑल दिस एरियाज विल स्टार्ट डेवलपिंग। अब ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा तब जब अपने पढ़ेंगे अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया, हेयर ग्रोथ हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डार्कनिंग ऑफ निपल्स, ग्रोथ ऑफ वजाइना, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। और यहाँ पे इनका वॉइस जो है श्रिंक वॉइस होगा, श्रिंक वॉइस मतलब पता है ना, जब मेटल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो कैसा चिड़चिड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है, वैसा वाला वॉइस, तो वो वॉइस है इनका, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट द चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस ऑफ प्यूबर्टी, राइट। अब एक टर्म बाकी रह गया जिसका हम कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन। क्या कह रहा हूँ मैं, सेक्सुअल मैच्योरेशन। सेक्सुअल मैच्योरेशन मीन्स द एज एट विच बॉयज कैन रिलीज और द मेल्स कैन रिलीज देयर गैमेट कॉल्ड स्पर्म एंड द फीमेल कैन रिलीज देयर गैमेट कॉल्ड ओवा, है ना। जब ये ओवा का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ओवा मैच्योर हो जाता है, क्या होता है, ओवा मैच्योर हो जाता है एंड स्पर्म मैच्योर हो जाता है एंड दे कैन फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म अ बेबी, राइट। तो उस एज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी। एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन का एक्चुअली मैच्योरेशन से कोई लेना देना नहीं है ऐसा मेरा मानना, बिकॉज एट द एज ऑफ 15-16 बोथ बॉय एंड गर्ल आर केपेबल ऑफ बींग फादर एंड मदर रेस्पेक्टिवली। सही बात है, बेटा बाप बन सकता है और कन्या माँ बन सकती है 15 से 16 साल की उम्र में, ये पॉसिबल है। यानी जो लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो आपकी उम्र में, यू कैन डू दैट, बट कैन यू एक्चुअली हैंडल दैट, नो। द फीमेल बॉडी इज नॉट रेडी अंटिल द एज ऑफ 21 टू कंसीव अ बेबी इन हर बॉडी, दैट इज अ ट्रूथ फैक्ट, अनडिनाइबल फैक्ट, ठीक है, ये है। और आजकल तो अपने जो डिटोरिएट हो रहा है अपना जनरेशन टू जनरेशन, है ना, फिजिकली वीक होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑल थिंग्स, तो अब तो पूरा टाइम लेना चाहिए, ठीक है। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी हैज़ नथिंग टू डू विद द कंसीविंग द बेबी, है ना। प्रेग्नेंट होने की सही उम्र 16-17 साल नहीं है, बट स्टिल इट्स आफ्टर ऑल हर चॉइस, तो अपने कुछ नहीं कर सकते उसमें। बट जो मुझे लगता है मैंने आपको बताया जो सही है बायोलॉजिकली, कि भाई यू हैव टू टेक योर टाइम अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट फुली रेडी मेंटली और सोशली रेडी टू हैव अ बेबी, तब तक नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस इन बॉयज, दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस इन गर्ल्स, और बाकी अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन तो आप बहुत अच्छे से समझते ही हो, राइट। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट्स, ठीक है। तो हमने प्यूबर्टी और एडोलेसेंस खत्म कर लिया है, अगला वीडियो आएगा अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला ही है। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूंगा ऑन YouTube। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।